हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर थर्ड चैप्टर रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोट्स कीनी. सो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ दिस पोयम. सो इट इज़ अ पोयम दैट टेल्स अस अबाउट द पोइट स्वीट मेमोरीज ऑन हिज चाइल्डहुड. तो ये जो पोयम हमें पोइट की जब वो छोटे बच्चे थे तो उसकी जो मेमोरी है वो वापस याद दिला देती है. एट नाइट, रात को जब, वैन डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई, जो काले बादलों से पूरा आकाश भर जाता है. एंड इट रेन्स जेंटली, और बहुत अच्छी तरीके से प्यार से जो रेन गिरती है, बारिश होती है. देन द पोइट लाइज इन हिज कोजी बेड listening to the sound of the gentle rain droplets on the rooftop of his house. तो उस समय poet अपने आरामदायक cozy bed means आरामदायक बेड के ऊपर सुन रहे होते हैं आवाज़ जो rain drops होती है अपने rain rooftop के ऊपर, जो बारिश के हम बोलते हैं तो rooftop, जो कि स्टील पत्रे या किसी ईंटों से बनी हुई होती है, उसके ऊपर गिरने से जो टप टप आवाज़ आती है बारिश की, तो वो आराम से सुन रहे होते हैं. ही रिमेंबर्स दैट हिज मदर यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज विच गेव हिम इमेंस सॉलेस एंड प्लीजर. तो उसको वो बातें याद आ जाती है कि उस टाइम पे उसकी मम्मी जो थी वो उसको स्टोरी सुनाया करती थी, जो उसको बहुत खुश होता था, उसको रोमांच पैदा होता था उसके जीवन में. तो वो सब बातें उसको उस समय याद आ जाती है. सो स्टूडेंट्स, टेक द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी. रेन ऑन द रूफ. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, तो जब आकाश जो होता है वो डार्क क्लाउड से कवर्ड हो जाता है. एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. तो उस धीरी बारिश की आवाज़ है जो टप 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 पैटर बोलते हैं उसको, वो आवाज़ आपने कभी सुनी है? व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड इट. अगर आपने ऐसी आवाज़ सुनी हो तो उस समय आपको कौन सा माइंड के अंदर विचार आता है? मेलेडी ऑफ नेचर, कुदरत की जो मेलेडी है उसके प्रति. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. तो यहाँ पे जो पोएम है उसको रीड करेंगे, और पोएम पोएट को क्या स्वप्न आते हैं और जब वो सुनते हैं रेनी की इस आवाज़ को, तो ये इस पोएम में हम जानते हैं. तो स्टेंजा वन, व्हेन द ह्यूमिड शेडोड हॉवर. तो ह्यूमिड का मतलब होता है वेट, नम, और हॉवर का मतलब होता है रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, मंडराना. तो जब नमी वाली परछाई, शेडो मीन्स परछाई, मंडराती है ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, तो सितारों भरे गगन मंडल पर. एंड द मेलनकॉली मीन्स, मेलनकॉली मतलब होते उदासी भरी. एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स. तो वापिस से हम सुनते हैं, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फियर्स एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स. तो जब नमी वाली परछाइयाँ मंडराती है सितारों भरे गगन मंडल पर, और जब उदासी भरा अंधेरा धीरे से बरसाती आंसू बहाकर रोता है. वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो मीन्स एक छोटे से मकान के कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए, वॉट अ ब्लिस to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो एक छोटे से कक्ष में, मकान के
बिस्तर पर लेटे हुए तकिए को दबाना कितना आनंदमय होता है और नरम बूंदों के छत के ऊपर गिरने की आवाज़ सुनना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर छोटा सा मकान हो जो हम पत्थरों से बना हुआ है या तो नलियों से बना हुआ जो रूफ है उसके ऊपर जो टप टप करती हुई आवाज़ है सुनाई दे और तकिए दबाने का कितना आनंदमय और नरम बूंदों को छत के ऊपर से गिरने की आवाज़ सुनना कितना अच्छा लगता है, तो इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब हम सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स मीन्स, टिंकल मीन्स रिंगिंग साउंड, झंकार जिसको बोलते हैं। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड थाउजेंड ड्रीमी फेंसिस इन टू बिजी बींग स्टार्ट। तो गोल गोल पत्थरों पर प्रत्येक झनकार दिल में एक गूंज पैदा करती है और हजारों सपनों की कल्पनाएँ व्यस्त मगन में मन में शुरू हो जाती है। एंड थाउजेंड रिकॉलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और एक हजार यादें अपने ताना बाना बुनने लगती है जैसे ही मैं छत पर पानी के बूंदे गिरने से आवाज़ सुनता हूँ। तो ये सब यादें वापिस हमारे माइंड में आ जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। अब मेरी माँ यादों में, मेमोरीज मीन्स यादों में मेरी माँ आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वह बीते सालों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डियरलिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। तो प्यारे सपने देखने वाले बच्चों के सम्मान में पाँव फटने तक उन्हें छोड़कर जाने से पहले, ओह आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी। तो मैं उसकी दुलार भरी नज़र का अनुभव करता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑन द ऑफ द रूफ। तो इस गीत को लिखता हूँ जो कि गोल गोल पत्थरों पर बूंदों के गिरने से पैदा होती है। तो एगोन का मतलब होता है पास्ट टाइम, ड्रीमर का मतलब है वन हु ड्रीम्स, जो स्वप्न देखते हैं। ई आर ई एयर उसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर, पहले। डाउन मतलब अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह का समय होता है। फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक मीन्स लविंग गेज, स्नेह भरी नज़र। सिंगल्स मीन्स स्मॉल राउंड स्टोन्स, गोल पत्थरों पर। तो यहाँ पे ये पोएम फिनिश होती है, बट पोइट को मैंने आपको बता दिया था कि उसकी जो यादें हैं, तो जब भी वो इस वर्षा को एक छोटे से मकान में उसका जो पत्थरों पर जो बारिश टप टप पैटर की आवाज़ सुनाई देती है, तो एक बेड पर बिस्तर पे लेटे लेटे उसको ये सब यादें तरोताज़ा हो जाती है और उसके मन में हैप्पीनेस पैदा कर देती है रेन्स की इस बूंदों को। तो ये पोइट का नाम है कॉट्स केनी। तो यहाँ पे जो पोइट ने रेन का वर्णन किया है, कभी आप भी महसूस कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन भी किया है कि आपने ऐसी टप टप भरी आवाज़ें कभी सुनी है, तो उस टाइम आपको क्या विचार आते हैं। तो अभी फ्रेंड्स वैसे ही मॉनसून की सीज़न चल रही है, कभी आपको भी मौका मिले तो आराम से मोबाइल को एक साइड छोड़कर बिस्तर पर लेटे लेटे ये टप टप की आवाज़ें सुनना और उस टाइम आपके मन में क्या क्या थॉट्स पैदा होते हैं वो महसूस करना। तो यहाँ पे इसमें तो पोइट्स की बात की हुई है, तो जब इस टाइम पे ये रेन आते हैं तो पोइट के मन में कैसे कैसे विचार आए थे वो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। बट आप अपने विचार जो है वो पेन और पेपर में लिख देना और सोचना कि आपके विचार और इनके विचारों में क्या क्या भेद पड़ता है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो आप अपने आप
जज करना, और यहाँ पे ये पोएम फिनिश होती है। थैंक यू।